भारत में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। कई लोग कोरोना से संक्रमित हैं। दुनिया, आपको बता दें, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने इसे महामारी भी घोषित कर दिया है। कोरोना वायरस का संबंध वायरस के ऐसे परिवार से है जिसके संक्रमण से जुकाम से लेकर सांस लेने में भी तकलीफ जैसी समस्याएं हो सकती हैं और इसी वायरस को पहले कभी नहीं देखा गया। WHO के मुताबिक बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ और इसके लक्षण हैं। अब तक इस वायरस को फैलने से रोकने वाला कोई टीका नहीं बना है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि थोड़ी सी सावधानी से कोरोना को हराया जा सकता है। इसलिए आज हम चर्चा करेंगे कोरोना पर कि कैसे आप इस वायरस से खुद और अपने परिवार को बचा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम स्वराज सेहत, और आपके साथ मैं हूँ वृष्ट गौरी। और इसी कोरोना वायरस के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल से HCOD डॉक्टर तनुश्री सिद्धार्थ और रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट क्रिटिकल केयर हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत स्वागत है आप दोनों का ही हमारे खास कार्यक्रम में। और सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि यहाँ पे आप सबसे पहले ये बताइए तनुश्री जी कि किस तरह से ये कोरोना डिसीज है, वायरस है, ये किस तरह से लोगों को अपने संक्रमण में ले रहा है। क्योंकि अमूमन अगर हम बात करें तो आम लोगों को तो पता भी नहीं होता है कि एक्चुअल में कोरोना वायरस है क्या। जैसा कि हमने हर जगह हम सुन रहे हैं कि कोरोना वायरस को महामारी का नाम दिया गया है, क्योंकि एक पैंडेमिक घोषित कर दिया है WHO ने। और पैंडेमिक मतलब ये एक जगह से ज्यादा, एक कंट्रीज से ज्यादा, काफी कंट्रीज में फैल चुका है। सेम सिम्टम्स, जो फ्लू वाले सिम्टम्स हैं, उस तरह की सिम्टम्स आती हैं, जो कि फिर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिम्टम्स जो हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जैसी चीज होती है, और निमोनिया में जो पीड़ित है वो निमोनिया से, जो एक्सट्रीम डिजीज जो उनकी सिम्टम्स आती है वो निमोनिया की आती है। सो कोरोना वायरस जो है वो हम ये देख रहे हैं कि ये जो सिम्टम्स हैं वो किस वायरस से हो रहा है। तो अभी जो कॉमनली हम देख रहे हैं कि जिसको पैंडेमिक घोषित किया गया है वो कोरोना वायरस है, इसलिए इसको, इट्स अ फ्लू लाइक सिम्टम जो कि सिवियर हो जाती है, निमोनिया जैसे सिम्टम्स फिर आने लगते हैं। 15% जो पीड़ित हैं वो काफी सिवियर डिजीज से सफर करते हैं, जो रेस्पिरेटरी, अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में जाते हैं। ठीक है, डॉक्टर विशाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर विशाल, आपका भी बहुत स्वागत है। मेरा सवाल आपसे यह है कि कोरोना में ICU, जिस तरह से ICU प्रवेश के लिए मरीजों को आखिर क्या कहते हैं, क्योंकि जो भी एक्चुअल में अभी जो प्रेजेंट कंडीशन है, जो भी पेशेंट होता है वो अगर किसी भी सिम्टम्स को लेकर अगर अपनी जांच कराने के लिए जा रहा है तो हर कोई चाहता है कि ICU में उसको एडमिट कर दिया जाए। देखिए, कोरोना के मरीज, सारे मरीज को ICU में एडमिट करने की जरूरत नहीं है। कुछ स्पेशल क्राइटेरिया है जिसमें हम पेशेंट को ICU गहन चिकित्सा कक्ष, जिसको बोले, उसमें लेने, बाकी जितने पेशेंट्स हैं सबको सिर्फ एक आइसोलेट करके, एक नॉर्मल केयर दे करके हम मैनेज कर सकते हैं। कुछ कंडीशन जिसमें कि कोरोना बहुत सीवियर फॉर्म में हो, जिसमें कि आपकी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाए, सांस में तकलीफ बहुत ज्यादा बढ़ गए, सांस बहुत तेज चलने लगे, आपको ब्लड प्रेशर गिरने लगे, आपको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ने लगे, आपको वेंटिलेटर से नजदीक कम में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाए, इन्हीं पेशेंट्स को ICU में रख करके गहन चिकित्सा कक्ष में रखने की जरूरत है। बाकी ये डर को अपने दिल से मिटाना है कि कोरोना के सारे मरीजों को ICU की जरूरत पड़ेगी। बहुत मैक्सिमम मरीज को, जिनको कोरोना पॉजिटिव भी आया, कोविड पॉजिटिव भी आया, उनको आप नॉर्मल केयर से आप ठीक कर सकते हैं। आप देखो, इंडिया में बहुत सारे मरीज ठीक हो रहे हैं, आपने खुद ही डाटा देखा होगा, सब जगह लोग देख रहे हैं डाटा, उसमें कि मरीज ठीक भी हो रहे हैं। ठीक है, कुछ मरीजों में जिनके कोमॉर्बिड कंडीशन ज्यादा हैं, जिनमें डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, हार्ट डिजीज है, लीवर डिजीज है, ये पेशेंट, एज ज्यादा है इनका, 60 से ऊपर का एज है,
इन पेशेंटों में बीमारी थोड़ा ज्यादा सीवियर फॉर्म में आ रही है और उन मरीजों को ज्यादा जरूरत पड़ रही है आईसीयू आईसीयू केयर के अदर मरीजों की। जी डॉक्टर तनुज सर, क्योंकि जिस तरह से ये जो रोगी हैं इनकी रिकवरी जो दर है वो आखिर क्या होती है, मतलब कितने स्टेज में ये रिकवर करते हैं जो इससे ग्रसित रहते हैं, और किस तरह के एहतियात इनको बरतने की जरूरत है? मैंने अभी जैसे बताया कि, और डॉक्टर विशाल ने भी आपको अभी बताया कि जो भी सिम्टम्स आते हैं और अगर वो कोरोना पॉजिटिव भी हुए तो उससे बहुत डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, एहतियात बरतने की जरूरत है, अगर सांस लेने में तकलीफ होने लगे या जैसे डॉक्टर विशाल ने बताया कि ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, ये सब जब सिम्टम्स हम देखते हैं तो फिर ही हम कहते हैं कि हाँ ये पेशेंट सीरियस है। इसमें रिकवरी ऐसा नहीं है कि मोर्टैलिटी बहुत हाई है, मोर्टैलिटी एक्चुअली कम है काफी। और अगर पेशेंट्स को हम डिटेक्ट कर लेते हैं पहले और उनके सिम्टम्स की वजह से वो अस्पताल तक पहुंच जाते हैं तो हम इंश्योर करते हैं कि उनको जितनी भी सपोर्टिव ट्रीटमेंट दी जा सके उनकी उस हालत के हिसाब से हम दें। और रिकवरी इसमें ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती है, रिकवरी ठीक है। ज्यादातर पेशेंट्स जो है वो बहुत सीवियर सिम्टम से नहीं ग्रसित होते हैं, और अगर हो रहे हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जैसी आ रही है, फ्लू लाइक सिम्टम्स और ब्रेथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, तो कृपया हॉस्पिटल जल्दी पहुंचे, हमारी यही सलाह हो। और रिकवरी इज नॉट समथिंग जो कि नहीं है इसमें, हाँ। जैसे भी डॉक्टर विशाल ने बोला रिकवर हो रहे हैं काफी पेशेंट्स। और ये सबसे राहत की बात है कि छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस से जितने भी जो संक्रमित लोग हैं उनकी तादाद भी कम है और उनमें से दो लोग भी ठीक हो गए हैं, ये एक बेहतर जो रिजल्ट है हमें ये भी देखने को मिल रहा है। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, पंकज हैं भोपाल से। पंकज जी बहुत स्वागत है आपका। मेरा सवाल ये है डॉक्टर साहब से कि जैसे हमको जो है 102 या 101 बुखार अक्सर आ जाता है और लगातार हमको खांसी भी रहती है, तो ये हम ये क्या मतलब हमको कोरोना के लक्षण हो सकते हैं? इस तरह हम चीजों को दिखाएं किसी डॉक्टर को या ये नॉर्मल उसके लक्षण है? क्योंकि कई लोग कह रहे हैं जैसे रश्मि भारती जी, अंजना भारती जी कह रहे हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं है हमको, तो हम मतलब क्या ये लक्षण लगते हैं? और खांसी जो है लगभग 5 से 7 बार आती है दिन में और लगातार आती है, और इस तरह ही पूछना चाह रहे थे हम। डॉक्टर विशाल देखिए, कोरोना के जो शुरुआती लक्षण हैं उसमें तेज बुखार आना और सर्दी खांसी जुकाम होना, जनरल माइल्जिया होना, बॉडी एक होना, कुछ कंडीशंस में डायरिया होना, ये सब चीजें कॉमन जो इसके सिम्टम्स है परसेंटेज वाइज सब डिफर करते हैं। लेकिन फीवर के साथ अगर कफ कोल्ड और हेडेक, और अगर कहीं आपकी बाहर विजिट की हिस्ट्री है या बाहर से आप आए हों और किसी से कोई क्लोज पेशेंट में कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री है किसी से जो कोविड पॉजिटिव आया हो, तो ये सब लक्षण देख करके आपको एक बार जांच जरूर करना चाहिए। आप अपने विशेषज्ञ के पास जाकर एक बार आपको जरूर मिलना चाहिए कि अगर आपके सिम्टम्स है फीवर के साथ कफ एंड कोल्ड हो रहा है और आपको हेडेक हो रहा है अभी, और ये सिम्टम्स अगर अभी आना शुरू हो गए हैं, तो इसके लिए आपको जरूर एक विशेषज्ञ से मिल करके वहां जाकर के आपको अपना जांच कराना चाहिए। एंड विशेषज्ञ डिसाइड कर सकता है कि आप में जो लक्षण है इसमें हमें टेस्ट भेजना है नहीं भेजना है, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन। सो आप घबराएं ना, अगर आपको लगता है तो आप अपने नजदीकी डॉक्टर से मिलकर के आप इसे सलाह ले सकते हैं और आप आगे बढ़ सकते हैं। तो जाहिर सी बात है पंकज जी, आपको डॉक्टर विशाल ने आपकी परेशानी का हल भी बता दिया है। हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता देते हैं कि आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर जो फोन नंबर इस वक्त फ्लैश होते हुए देख रहे हैं, आप इन फोन नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं और कॉल करके डॉक्टर तनुश्री सिद्धार्थ जी और डॉक्टर विशाल जी से आप अपने तमाम सवालों के जवाब हमारे स्वराज सेहत के माध्यम से आप ले सकते हैं। डॉक्टर तनुश्री, क्योंकि जिस तरह से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कोरोना को लेकर, आप लोग बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी भी हमारे दर्शकों को मुहैया करा रहे हैं। अमूमन बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होता है कि ये जो कोरोना वायरस है उसमें किन किन चीजों का टेस्ट कराना चाहिए, क्योंकि वो सर्दी खांसी को भी कोरोना से जोड़ रहे हैं, ये जो एक तरह का जो मिथ फैल गया है इसको हम कैसे दूर करेंगे? इसका एक ही डेफिनेटिव टेस्ट है, वो RT-PCR थ्रोट स्वाब से होता है, लेकिन हर पेशेंट जो सर्दी खांसी का है उसको ये करवाने की जरूरत नहीं है। जैसे हम अभी बता रहे हैं आपको कि कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री, अगर हेल्थ वर्कर है तो एक्सपोजर कितना है कोई पॉजिटिव कोरोना पेशेंट के साथ,
साथ में सडन अक्यूट ऑनसेट बुखार का हो, सर्दी का हो, खांसी का हो, वीकनेस हो, हेडेक हो, तो आप जरूर अपने डॉक्टर को जल्दी सलाह लें और वो डॉक्टर आपको एग्जामिन करके पूरी तरह से आपकी जब हिस्ट्री एलिसिट करेंगे, हिस्ट्री लेंगे आपकी, तो वो उस काबिल है, वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है ये जांचने के लिए कि आपको कोविड का टेस्ट भेजना चाहिए आपके लिए या नहीं भेजना चाहिए। ठीक है, कॉलर हो गए इस वक्त हमारे साथ, तो आप अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें। जी जी, एक कॉलर है मोहम्मद अकरम हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। अकरम जी बहुत स्वागत है, सवाल कीजिए अपना। मैडम ये पूछे थे जैसे जो बाहर से गांव में आए हुए हैं तो उनके लिए क्या क्या करना चाहिए, उनसे कितनी दूरी बनाए रखना चाहिए, क्या उनके साथ में बर्ताव करना चाहिए, घर में रखना चाहिए या बाहर रखना चाहिए, क्या करना चाहिए? ठीक ठीक, डॉक्टर तनुश्री, क्योंकि ये मोहम्मद अकरम कह रहे हैं कि बाहर से लौटे हुए हैं और उन लोगों से कितनी, क्योंकि अब ये नहीं पता है कि इनको कोरोना वायरस होगा कि नहीं होगा, अगर होता है और नहीं भी होता है तो कितनी दूरी बनाए रखनी चाहिए, किस तरह का कॉन्टैक्ट रखना चाहिए? बाहर से लौटे हैं थोड़ा सा स्पेसिफिक है, ट्रैवल की हिस्ट्री प्रॉपरली देनी होती है, कहाँ से लौटे हैं, उस जगह से जहाँ से आए हैं वहाँ पे भी डिजीज लोड कैसा है, और उसके बाद अगर इनको सिम्टम्स उसके बाद की आई है तो इनको रिपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि जांचने के बाद हो सकता है इनको क्वारंटाइन की जरूरत पड़े। बट जो लोकल ट्रैवल है उससे अभी बहुत ज्यादा खतरा नहीं है, जो दिल्ली है, बैंगलोर है, पुणे है, कुछ कुछ एरियाज हैं इंडिया के जिसमें लिस्टेड सिटीज हैं, अगर आप वहां से ट्रैवल करके आए हैं और उसके बाद आपको सिम्टम्स आ रहे हैं बुखार के और सर्दी और खांसी के और वीकनेस और हेडेक जैसी चीजें भी महसूस कर रहे हैं, तो अपने डॉक्टर से फिर मिले, जैसे कि हमने बताया कि वो आप वो एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होंगे आपको जांच करके बताने के लिए कि आप उस रिस्क क्राइटेरिया में है कि नहीं है। जी, एक कॉलर है नोएडा से जुड़ गए हैं, दीपक राजगुप्ता जी। दीपक जी बहुत स्वागत है, सवाल कीजिए अपना। मेरा सवाल ये है, विशाल जी से मेरा सवाल ये है कि अगर ये लॉकडाउन की जगह कर्फ्यू कर देते तो निजामुद्दीन से जो जो 150-200-2000 आदमी छूटा है ये नहीं छूटता, मेडिकल पर भी जोर कम पड़ता, मेडिकल पर मेडिकल डिपार्टमेंट पर भी जोर कम पड़ता, और ये जो मतलब वहां तक गए हैं ये लोग नहीं चाहते। कोरोना से जुड़ा हुआ आपका कोई और सवाल? यही सवाल है जी। डॉक्टर विशाल, हालांकि थोड़ा सोशल सवाल पूछ लिया इन्होंने आपसे। हाँ देखिए, इस पे कमेंट करना उचित नहीं होगा अभी के इस दौरान में, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट और जितने भारत सरकार ने सभी उपाय किए हैं आपको सेफ रखने के लिए, आपकी सेहत को ध्यान में रखते हुए ये जो लॉकडाउन किया है ये सिर्फ किसी एक बंदे के लिए, हर एक देश के हर एक नागरिक के लिए है, ठीक है, और सबकी सुरक्षा के लिए है। अब हेल्थ पॉकेट जैसे जैसे गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किए जहां रिस्क फैक्टर्स है, जहां से लोग निकल रहे हैं उनकी प्रॉपर टेस्टिंग हो रही है और कोशिश किया जा रहा है गवर्नमेंट से कम ये बीमारी कम्युनिटी में फैले, तो इस पे ये कमेंट करना कि ये पहले हो जाता और बाद में होता है, आई थिंक इस कमेंट से हमें दूर रहना चाहिए, और जैसे होते हैं हमें एक दूसरे की हेल्प करनी है, ये सबसे बड़ा मंत्र अभी इस दुनिया अब अभी इस समय में है। जी दीपक जी, जाहिर सी बात है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर विशाल, क्या कोरोना वायरस के जो रोगी हैं उनको डायलिसिस जैसे अन्य उपचार की भी जरूरत हो सकती है क्या? ये हो सकती है, डिपेंड करता है अगर पेशेंट मरीज अगर आईसीयू में एडमिट है। देखो मैंने एक बात बताई थी अभी सिम्टम्स में कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर भी कम हो सकता है, जब मरीज का ब्लड प्रेशर कम होता है उसे दवाइयां देने के बाद भी, कि ब्लड प्रेशर पर डिपेंड करता है कि आपके किडनी पे कितना ब्लड जा रहा है सारे ऑर्गन्स में, अगर किडनी में ब्लड कम जाता है, ब्लड प्रेशर कम रहता है तो पेशेंट का यूरिन बंद होता है, उस समय डायलिसिस की इंडिकेशन बन जाती है, और हम बहुत सारे मरीजों में डायलिसिस, कुछ पेशेंट्स ऐसे भी जैसे मैंने हाई रिस्क पेशेंट बताए जो कि पहले से ही डायलिसिस पे होंगे, सीकेडी के पेशेंट्स हों, उनमें ये इनके लक्षण बहुत तेजी से बढ़ते हैं, तो उन मरीजों में जो ऑलरेडी डायलिसिस पे तो उनकी भी डायलिसिस की जरूरत पड़ जाएगी ऐसे कंडीशन में। ठीक है, रुड़की से हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं बीके शर्मा जी। शर्मा जी बहुत स्वागत है, सवाल कीजिए। डॉक्टर तनुश्री से सवाल करेंगे या डॉक्टर विशाल से?
डॉक्टर विशाल से बात कराइए। जी 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 नमस्कार जी। हेलो जी शर्मा जी, आपकी आवाज डॉक्टर विशाल को मिल रही है, आप सवाल बताएं सर अपना सवाल। हाँ जी नमस्कार सर, मैं वीके शर्मा बोल रहा हूँ रुड़की से। मेरा सवाल ये है, मैं 10-15 दिन से जो है हल्का सा बुखार मुझे टेम्परेचर हो जाता है किसी टाइम 99-100 के बीच में ही रहता है। 70+ मेरी एज है और COPD का भी मैं पेशेंट रहा हूँ और मुझे दमे की भी थोड़ी शिकायत है। ओल्ड एज है, डायबिटिक भी हूँ, ब्लड प्रेशर वैसे नॉर्मल रहता है मेरा। तो इसमें कोई ऐसी घबराने वाली बात तो नहीं है? हेलो जी, देखो जी, अगर आपको बुखार अभी आना शुरू, हाँ अगर आपको बुखार अभी आना शुरू हुआ है, बुखार का एक परसिस्टेंट पैटर्न जो कि हाई ग्रेड फीवर है और अगर आपको सांस में तकलीफ अभी बढ़ रही है तो हो सकता है सीओपीडी पेशेंट्स में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होना कॉमन है। इससे बहुत बार पेशेंट नॉर्मली एडमिट होते हैं आईसीयू में, हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल की जरूरत पड़ती है। आपके एक रिस्क फैक्टर, आपके पास डायबिटीज भी है आप साथ में, और अगर आपको फीवर आ रहा है और सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो मेरे ख्याल से आपको अस्पताल जाना चाहिए और एक बार अपना जांच जरूर कराना चाहिए कि मुझे फीवर आ रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है और क्या मुझे इसके लक्षण है। अगर वो अगर देखने के बाद, वो डिपेंड करेगा आपका क्लिनिकल क्राइटेरिया पे क्या है। अगर आपको निमोनिया, एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम अगर डेवलप कर रहा है तो डॉक्टर जरूर आपका एक जांच करना चाहेंगे इस कंडीशन में, क्योंकि अभी हम जितने निमोनिया और जितने भी एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेसेस हैं उनमें हम एक टेस्ट जरूर कर रहे हैं, पार्टिकुलरली रिस्क फैक्टर्स वाले पेशेंट में जो आप में है, 70 साल का उम्र है, डायबिटीज है, आप COPD है, ऑलरेडी कोमोरबिडिटी आप में है। तो शर्मा जी डॉक्टर विशाल की सलाह मानिए, तुरंत अपने नजदीकी अस्पताल जाइए और एहतियात के तौर पर एक बार टेस्ट जरूर कराइए, क्योंकि जिस तरह से डॉक्टर्स भी कह रहे हैं, लगातार जो आप लोगों को सलाह दी जा रही है कि आपको खुद ही अपना ख्याल रखना है। एक और हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं, बद्री प्रसाद जी हैं सागर से जुड़ गए। बद्री प्रसाद जी बहुत स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। मैं ये पूछ रहा हूं मैं जो हाँ बहन ये पूछ रहे हैं आपसे। जी 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 आप सवाल कीजिए। हाँ हमारा एक निवेदन है बहन, मैं सबसे पहले तो पूरी स्वास्थ्य टीम के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। जी जी आप सवाल, आप अपनी बात पूरी कीजिए, हमें आपकी आवाज़ मिल रही है। हाँ हाँ मैं ये पूछ रहा था कि जो कोरोना है बहुत कम मृत्यु दर है, बहुत कम माने स्वास्थ्य भी 8% हो रहे हैं जी, है तो बस ये पूछ रहा था कि जो लोगों में एक भ्रांति है कि ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उसको अपन को माने आम पब्लिक को ज्यादा लाभ मिलेगा, ये सही है कि गलत है? जी बिल्कुल, आपके सवाल का जवाब हम डॉक्टर तनुश्री जी से ले लेते हैं। तनुश्री जी, यहाँ पे बद्री प्रसाद जी का कहना है कि जो जिस तरह से ये जो कहा जा रहा है कि जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा मौसम का भी, बॉडी भी जितनी ज्यादा हीटअप रहेगी तो उसका जो बेनिफिट है वो लोगों को मिलेगा, तो इनको ये जानना है कि क्या ये मिथ है या वाकई में लॉजिकल, मतलब ये लॉजिक है इसके पीछे। देखिए ये जो अभी तक हम कह रहे हैं कि या जो हम पढ़ रहे हैं स्टडीज की टेम्परेचर जैसे राइज करेगा तो हो सकता है कि वायरस का जो संक्रमण है उसमें थोड़ी रोक होगी, लेकिन अभी तक ये वायरस जो है ये पहली बार ये आउटब्रेक हुआ है वर्ल्ड में, तो अभी तक देर इज नो सॉलिड डॉक्यूमेंटेशन कि कितनी डिग्रीज के बाद ये वायरस एक्चुअली मर जाता है। बट ये होप जरूर है कि क्योंकि वायरसेस हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव नहीं कर पाते हैं तो ये जो वायरस है उसको भी हीट से इसकी जो संक्रमण है उसमें रोकथाम सर्टेन डिग्री तक होनी चाहिए जी। बद्री प्रसाद जी, जाहिर सी बात है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। एक और हमारे साथ कर्नाटका से कॉलर जुड़ गए हैं, विनायक हैं। विनायक जी बहुत स्वागत है, सवाल कीजिए अपना। हेलो जी 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 विनायक जी बहुत स्वागत है, सवाल कीजिए। हाँ मैडम, मैडम अभी जो मुझे प्रेजेंट चल रहा है मसल्स पेन और थायराइड का प्रॉब्लम चल रहा है, तो मैंने हॉस्पिटल यानी कि मेरा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है गुलबर्गा में,
वहाँ पर जाके मैंने मुझे प्रॉब्लम बताया ऐसा सब तो हो रहा है बोलकर, तो उन्होंने मेरा स्क्रीनिंग किया, स्क्रीनिंग करके आगे प्रोसीजर बताया नहीं कुछ भी नहीं, वो सीधा मुझे घर भेज दिए, आप जा सकते हैं, आपको ज्यादा होने पर आप फिर आके एक बार चेकअप कर लीजिए बोलकर बताए। मुझे पूरा मसल्स फुल बॉडी पेन है और धड़का है और जो विनायक क्या इस दौरान आप कहीं बाहर किसी स्टेट में गए थे, आपका कोई विजिट रहा हो? हाँ हुआ था, मैं मेरा एक इंटर था, ओडिशा गया था मैं जी। मेरे यहाँ ओडिशा से हैदराबाद काचीगुड़ा को पहुँचा, काचीगुड़ा से मैं गुलबर्गा पहुँचा जी। मेरे सिटी में मैं 20 तारीख को पहुँचा मैं जी। ठीक है डॉक्टर विशाल से अब आपकी समस्या का हल ले लेते हैं। डॉक्टर विशाल, जिस तरह से विनायक जी कह रहे हैं कि इसके पहले इनका टूर था, टूर से ये लौटे, उसके बाद पूरा बॉडी पेन इनको होने लगा है और तमाम तरह की दिक्कतें, ये गए इन्होंने चेकअप कराया, फिर इनको ये बोला गया कि अगर और प्रॉब्लम होती तो दोबारा आके फिर से चेक करवाइए। तो इनका सवाल सीधा ये था कि क्या इनको कोरोना वायरस के सिम्टम हो सकते हैं, ये जिस तरह से जो चीजें ये बता रहे हैं। देखो कोरोना के जो सिम्टम्स में जो प्रिलिमिनरी सिम्टम्स हैं उसमें बुखार, सर्दी खांसी, एक्यूट रेस्पिरेटरी जो इलनेसेस हैं, ठीक है, वो सर्दी खांसी जुकाम, उसमें एक कोलेबरेटरी एविडेंस है कि आपके बॉडी में दर्द होगा, माइल्जिया होगी, वॉमिटिंग होगी, 10% पेशेंट में डायरिया भी होता है। लेकिन कोलेबरेटरी सिर्फ इतना कहना कि सिर्फ मुझे माइल्जिया हो रहा है और मुझे बाकी कोई रेस्पिरेटरी सिम्टम्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, शायद इसलिए उनके डॉक्टर ने उनको स्क्रीनिंग की है, पूरी तरह से देखा है उस अस्पताल में, देखने के बाद उन्हें लगा कि ये कोविड के टेस्ट, बाकी सिम्टम्स इनके कोविड के नहीं हैं और सिर्फ एक माइल्जिया है, तो इनको अभी सपोर्टिव केयर पे रखते हैं। अगर इनके साइन सिम्टम्स कुछ भी अगर बढ़ते हैं, हमें दिखता है ऐसा दिखते हुए, ट्रैवल की हिस्ट्री बता रहे हैं कि ट्रैवल की हिस्ट्री है, इसलिए उन्होंने बोला है कि आप सेल्फ रखो अपने पास, आइसोलेट होकर के जो भी रखो आप, अगर कुछ भी रेस्पिरेटरी सिम्टम्स या कुछ ऐसा आता है तो हमें रिपोर्ट करो, हमें रिपोर्ट करने के बाद हम आपका टेस्ट आगे जरूर करेंगे। ऐसे मरीजों का सिम्टम सिर्फ एक ट्रैवल हिस्ट्री होना एक क्राइटेरिया है, लेकिन उसके साथ बाकी जो क्लिनिकल क्राइटेरिया है, इसीलिए हम कहते हैं कि मरीजों को जैसे है उनको अपना डाउट अगर हो तो जरूर अपने नजदीकी डॉक्टर के पास जाएं और अपने जो उनपे जो भी कंफ्यूजन इसके रिलेटेड है सबको क्लियर करें जी। मजीद आज हमारे साथ इस वक्त कॉलर जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है, सवाल कीजिए अपना। लगता है इनसे हमारा संपर्क टूट गया है। डॉक्टर तनुश्री, क्या रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में ऐसे मरीजों के लिए क्या अलग अलग आईसीयू बनाया गया है जो कोरोना वायरस के जिसमें सिम्टम्स दिख रहे हैं? जी हाँ बिल्कुल, हमने जब इंडिया में जब रिपोर्ट होनी शुरू हुई केसेस, तभी हमने इसकी तैयारी शुरू कर दी थी और जोर शोर से इसकी तैयारी शुरू की थी और अब काफी सॉलिडली इम्प्लीमेंट हो गया है। यहाँ तक कि हमने अपनी बिल्डिंग्स को भी अलग कर दिया है, एक हमारी दो ब्लॉक्स हैं, तो एक क्लीन ब्लॉक है एक अनक्लीन ब्लॉक है, और उसके बाद लेवल वन चेक होता है, लेवल टू चेक होता है, और उसके बाद अगर किसी पेशेंट में लेवल टू चेक पॉजिटिव आता है तो वो फ्लू क्लिनिक में जाता है, और वहां से अगर हमें लगा कि इसको भर्ती करने की जरूरत है, अगर उसको होम क्वारंटाइन करना है तो उसको उस तरह की सलाह दी जाती है, और वो भी आइसोलेशन में ही ये मरीजों को हम देखते हैं, और अगर उनको भर्ती करना है तो हमारे पास एक आइसोलेशन आईसीयू है जिसकी कॉरिडोर, जिसके लिफ्ट सब कुछ अलग है, जिसके जो स्टाफ उनको अटेंड कर रहे हैं वो डॉक्टर हो चाहे नर्स हो चाहे हाउसकीपिंग स्टाफ हो, उनको पूरा पीपीई पहन करके इन पेशेंट्स को अटेंड करना पड़ता है, और जो बाकी जो मरीज हमारे पास आ रहे हैं इमरजेंसी में वो बिल्कुल अलग है। तो इस तरह से हमने लेवल वन, लेवल टू, लेवल थ्री चेक्स रखा है इन पेशेंट का, आइसोलेशन रखा है ताकि वो जो नॉर्मल मरीज हैं उनके उनसे दूर रहे और स्टाफ जो है वो भी पूरे प्रोटेक्शन में रहे, पूरी सेफ रहे। ठीक है, कॉलर जुड़ गए हमारे साथ एक बार फिर से नवीराज जी। नवीराज जी बहुत स्वागत है, सवाल कीजिए अपना। मैडम मुझे ये जानकारी लेना थी कि एक तो अपने घर को सैनिटाइजेशन करना है तो कैसे किया जाए, नंबर टू माय फादर एज इज 55 इयर्स ओल्ड, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए क्या हल्दी का दूध लेना या गर्म पानी पीना अथवा गरारे करना नमक के पानी से, तो ये उचित रहेगा? ठीक है डॉक्टर विशाल। डॉक्टर विशाल आपको मेरी आवाज मिल रही है?
लगता है मेरी आवाज़ नहीं पहुंच रही है, दोबारा हम डॉक्टर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम लगातार क्या करें क्या नहीं करें, ग्राफिक्स के जरिए भी हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि हमें क्या कुछ करना है, और साथ ही जिस तरह से ये तमाम एहतियात डॉक्टर्स के द्वारा बताए गए हैं, इन एहतियातों को भी बरतना है। डॉक्टर तनुश्री हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ी, आपका बहुत शुक्रिया, और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर विशाल भी इस कार्यक्रम में जुड़े, डॉक्टर विशाल आपका भी बहुत शुक्रिया। और हमारे इस खास कार्यक्रम स्वराज सेहत में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत आप, लेकिन तमाम दर्शक घरों में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना से लड़ना है और इस देश को बचाना है, दीजिए इजाजत, नमस्कार।